ना अफवाहें ना सनसनी ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो तह तक। कहते हैं जो आपने सीखा है उसे भूल जाने के बाद जो रह जाता है वो शिक्षा है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि देश में जब बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। देश की आबादी का 40% युवा और बच्चे हैं। ये देश की शक्ति है, इनका नियोजन भी एक चुनौती है। राजनीति के पारंपरिक और सर्वकालीन प्रासंगिक विषयों का जिक्र करें तो रोजगार के बड़े फिक्र के रूप में सरकार की टेंशन बढ़ाता रहता है। शिक्षा व्यवस्था सुशासन की परख के पैमाने के रूप में सामने होती है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुकी है। जानकार मानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए शिक्षा को रोजपरख बनाने स्किल इंडिया मिशन और रिसर्च फाउंडेशन जैसी पहल ने युवाओं के हाथों में कुशलता की नई 14,394 लकीरें उभार दी है। इनके बोते ही पीएम मोदी सहित बीजेपी को विश्वास मजबूत हुआ कि आत्मनिर्भर भारत और उनके प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार में किन क्षेत्रों में आया क्या बदलाव, पढ़ाई के साथ स्किल शिक्षा भी अनिवार्य। नई पीढ़ी को बेरोजगारी के देश से बचाने के लिए मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन्हें कौशल से जोड़ने की मुहिम शुरू की। कौशल विकास व उद्यमिता के नाम से एक अलग मंत्रालय बनाया। इसके साथ ही 2030 तक देश के 50% युवाओं को किसी न किसी कौशल से जोड़ने का लक्ष्य रखा। 10 साल में 5,000 नए IIT खोले गए, जिनमें 6,00,000 से ज्यादा नई सीटें सृजित की गई। 1.40 करोड़ युवाओं को किसी न किसी स्किल का प्रशिक्षण दिया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं देश में शामिल रही। नरेंद्र मोदी के PM बनने के बाद दोगुनी हुई IIM और एम्स की संख्या। साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में बड़ा परिवर्तन आया जिसने शिक्षा की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख दी। जिसका नतीजा यह है कि भारत के शिक्षण संस्थानों के कैंपस अब विदेशों में भी खुल रहे हैं। 2014 के बाद IIM, एम्स, IIT और मेडिकल कॉलेज की संख्या भी दोगुनी हुई। बीते एक दशक में हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय बना। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत में बीते एक दशक में हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय बना है। हर दिन 2 नए कॉलेज और 1 नई IIT की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई। इस अवधि में देश को 7 नए IIT मिले जिससे इसकी संख्या 23 हो गई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।